तो सरकार बनने के बाद पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष और अमित शाह समेत बीजेपी नेताओं ने फडणवीस और अजीत पवार को बधाई दी है। जेपी नड्डा ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की जीत हुई है। अठावले ने भी ये बयान दिया है कि बीजेपी ने खेला है सही दा। वर्षों से, सदियों से, कितने सौ साल से ज्यादा समय हो गया, कांग्रेस पार्टी की एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा रही है और उस विचारधारा के ऊपर दाग लगाने का काम पिछले एक महीने में किया, किन लोगों ने किया? कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों से मेरा सवाल है कि आपको महाराष्ट्र की राजनीति की उतनी समझ थी क्या? जो अहमद भाई पटेल और केसी वेणुगोपाल वगैरह जो इस पूरे नेगोशिएशन में शामिल थे, उनका महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा नाता नहीं है, वो दिल्ली बेस्ड हैं। सबसे ज़्यादा नाता था श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। खड़गे जी महाराष्ट्र के प्रभारी हैं। आखिर उन्होंने कौन सा इनपुट दिया कांग्रेस अध्यक्ष को और CWC को, और उनका उनके इनपुट में क्यों इतनी बड़ी कमी थी? उन्होंने क्यों नहीं समझ स्थापित की कि इस तरह का कोई भी मूव होगा वो कांग्रेस के लिए घातक होगा? आज ये सब सवाल पूछने का वक्त आया। मैं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से निवेदन करूंगा कि CWC में जो बैठे लोग हैं उनके भरोसे अब काम नहीं किया जा सकता। सबसे पहले CWC को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक तो पहले से ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी मित्र पार्टी RPI और NCP मिलकर सरकार बननी चाहिए, मतलब उसी तरह की बातचीत भी चल रही थी। लेकिन मतलब अचानक यहाँ हमें ऐसा भरोसा था कि भाई कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी और ऑटोमेटिकली NCP और BJP एक साथ आएगी, तो अचानक मतलब कल रात को ये फैसला हो गया और आज देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और यहाँ मतलब शिवसेना को मतलब BJP ने लटका दिया है, कांग्रेस को फटका दिया है और NCP को अपने जाल में अटका दिया है। तो मतलब एक अच्छा बात हुआ है, तो ठीक बात है। लोग चाहते थे कि भाई BJP की सरकार बने, शिवसेना की सरकार बने, लेकिन शिवसेना ने एडमंट भूमिका ले ली और उसमें मतलब CM पद भी चला गया, बाकी के मंत्री पद भी चले गए, तो शिवसेना को बहुत बड़ा सबक सिखाने का जो काम है ये काम BJP ने किया है। और मुझे हमेशा बोल रहे थे कि आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अभी सब कुछ ठीक हो गया है। 105 हमारे हैं और उसके बावजूद सभी इंडिपेंडेंट वो भी अभी हमारे साथ में है। मुझे लगता है 170 के ऊपर ये संख्या जाएगी। महाराष्ट्र में हम लोग अभी 5 साल स्थिर सरकार देंगे। अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस के वहाँ के विधायक दल के प्रमुख है और इसलिए वो नेता है। उन्होंने पूरे सभी आमदारों के, विधायकों के साइन का लेटर राज्यपाल जी को सौंपा है। इसका मतलब पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे साथ में है। मुझे लगता है कि एक तो पहले से ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी मित्र पार्टी RPI और NCP मिलकर सरकार बननी चाहिए, मतलब उसी तरह की बातचीत भी चल रही थी। लेकिन मतलब अचानक यहाँ हमें ऐसा भरोसा था कि भाई कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी और ऑटोमेटिकली NCP और BJP एक साथ आएगी, तो अचानक मतलब कल रात को ये फैसला हो गया और आज देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और यहाँ मतलब शिवसेना को मतलब BJP ने लटका दिया है, कांग्रेस को फटका दिया है और NCP को अपने जाल में अटका दिया है, तो मतलब एक अच्छा बात हुआ है। तो ठीक बात है, लोग चाहते थे कि भाई BJP की सरकार बने, शिवसेना की सरकार बने, लेकिन शिवसेना ने एडमंट भूमिका ले ली और उसमें मतलब CM पद भी चला गया, बाकी के मंत्री पद भी चले गए, तो शिवसेना को बहुत बड़ा सबक सिखाने का जो काम है ये काम BJP ने किया है। और मुझे हमेशा बोल रहे थे कि आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अभी सब कुछ ठीक हो गया है। ये प्रजातंत्र की जीत है और साथ ही महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी और महाराष्ट्र के विकास में तीव्रता आएगी। इसके लिए मैं महाराष्ट्र के जनता को
को देखने को मिलता है। मैं पुनः सबको महाराष्ट्र की सरकार बनाने के लिए बधाई देता हूँ। जो उद्धव ठाकरे साहब ने बार बार, चाहे दसरा रैली हो या और शिवसेना के कोई प्रोग्राम्स हो, हमेशा एक बात कही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर शिवसैनिक विराजमान होगा और आने वाले दो दिनों में उसका निर्णय होगा। कल तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस एनसीपी ने बता दिया कि हम लोग हर तरह से आपसी समझौते की ओर बढ़ रहे हैं और जो भी इस गठबंधन में आवश्यक है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि अब सिर्फ शिवसेना से बात होनी बाकी है इन दोनों पार्टियों की, और उसके बाद उसको एक अमली जामा पहनाया जाएगा। दो दिन हम दिल्ली में बैठे, हमने सभी बिंदुओं पे चर्चा करके शिवसेना के साथ सरकार बनाने का निर्णय लिया है। आज 4 बजे के करीब तीनों दल के नेता बैठेंगे, शिवसेना के साथ एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की चर्चा होगी, कैसे बनाई जाएगी सरकार, क्या स्वरूप होगा, ये सारी चीज़ें उस बैठक में तय होगी। राउत जी का दावा है, उनका अपना दावा हो सकता है, लेकिन सभी बिंदुओं पे आज हम लोग 4 बजे तीनों दल के नेता बैठेंगे और सभी चीज़ों को तय करके आज देर शाम या कल सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। आज जिस तरह से सुबह महाराष्ट्र में शपथ विधि हुई है और जिस पत्र का आधार बनाकर सत्ता स्थापना की गई, वो विधायकों का पत्र का दुरुपयोग किया गया है। जो हाजिरी के लिए हमने दस्तखत लिए थे उस दस्तखत को लेकर राज्यपाल महोदय के पास दिया गया, जिसके आधार पे ये शपथ ग्रहण हुआ है। आज 12:30 बजे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्माननीय शरद पवार जी, शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी, अहमद पटेल जी, वेणुगोपाल जी, इनकी संयुक्त पत्रकार परिषद 12:30 बजे YB चौहान सेंटर में होगी। दोपहर 4:30 बजे शाम हमने विधायकों की बैठक बुलाई है और जो विधायकों को वहां ले जाया गया था गलत फहमी पैदा करके, उसमें से कई विधायक आकर पवार साहब से मिले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर रहेंगे और हमने पूरी तरह से तय किया है कि महाआघाड़ी जो शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बनी है वो पूरी तरह से हम साथ में है। और साथ ही महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी और महाराष्ट्र के विकास में तीव्रता आएगी। इसके लिए मैं महाराष्ट्र के जनता को बधाई देता हूँ और साथ ही साथ देवेंद्र जी को बधाई देता हूँ। मैच्योर डेमोक्रेसी का ये एक परिणाम हमको देखने को मिलता है। मैं पुनः सबको महाराष्ट्र की सरकार बनाने के लिए बधाई देता हूँ। मिस्टर उद्धव ठाकरे एंड द कांग्रेस विल मेक एन ऑफिशियल स्टेटमेंट एट 12:30 ताई घर तोडणं म्हणजे पक्षापेक्षा पण घर तोडणं हा जास्त तुम्हाला त्रास Your status says it all. Family split. I will make an official statement and I will leave from the